जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश में रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा करने वाले हैं सही विस्तार से। तो इससे पहले आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, हम आपको नई नई अपडेट देते रहेंगे और हमें एक उत्साह मिलेगा। दोस्तों, आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमें एक नई ऊर्जा मिलेगी। चलिए वीडियो में शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए बजट में मिली थी मंजूरी, जाने किन जिलों को बिछाई जाएगी पटरियाँ। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। मैं उत्तर प्रदेश में 83 परियोजनाएं चल रही हैं जिनमें 7143 किलोमीटर लंबी एक नई रेलवे लाइन का निर्माण शामिल है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 83 परियोजना चालू हैं। इन परियोजनाओं में कुल खर्च 94,000 करोड़ रुपये का अनुमान है। इसके अतिरिक्त एक नई रेल लाइन के लिए 55 सर्वेक्षणों की योजना है जो 3,831 किलोमीटर से अधिक का विस्तार करेगी। उत्तर प्रदेश को अन्य राज्यों से जोड़ने वाली परियोजनाओं में ललितपुर सतना रीवा संगरौली और महोबा खुजराहो शामिल है जिन पर 700 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वर्तमान में 2023-24 में लगेंगे इतने खर्च। बहराइच श्रावस्ती और बलरामपुर तुलसीपुर लाइन के लिए 390 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। वर्ष 2023-24 में एनर्जी कॉरिडोर के नई लाइन बनाने पर 284 करोड़ तथा आदिवासी गौरव कॉरिडोर अम्ब्रेला 2023-24 पर इतनी ही राशि खर्च की जाएगी। दोस्तों, बीच में अपडेट दे रहे हैं हम, चलिए बात करते हैं अब हम। साथ ही सहजनवा दोरीघाट के लिए 205 करोड़ रुपए, मुजफ्फर देवबंद मुजफ्फरनगर रुड़की के लिए 200 करोड़ रुपए, मऊ गाजीपुर के तारीघाट के लिए 150 करोड़ रुपए, छाता परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपए, आनंद नगर गुगली के लिए 20 करोड़ रुपए, पडरोना के लिए 10 करोड़ रुपए, कुशीनगर वाया गोरखपुर और मेरठ पानीपत रेल लाइन के लिए 30 लाख रुपए इसमें बात की गई है। गेज अभिसरण की दशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित किया जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले फिर से आपसे एक गुजारिश है, आप हमारे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इससे हमें एक उत्साह मिलता है। दोस्तों, आपका चैनल सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगता, केवल आपको चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी दबा दें। प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, आप हमारे लिए इतना कर दें। इनमें से 100 करोड़ रुपये मथुरा वृंदावन पर लाइन पर, 100 करोड़ लखनऊ पीलीभीत लाइन वाया सीतापुर, 100 करोड़ लखीमपुर, 50 करोड़ बहराइच मैलानी बाईपास, 35 करोड़ इंदिरा दोरीघाट लाइन पर खर्च किए जाएंगे। पीलीभीत शाहजहानपुर लाइन पर 3 करोड़ और कानपुर कासगंज मथुरा लाइन पर 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट।